लीब्रा, हाय, स्वागत है आपका आपकी वीकली रीडिंग में। यह है अगस्त 24 टू अगस्त 31 का ये जो वीक है, इसके दौरान कौन सी एनर्जीज आपके इर्द गिर्द रहेंगी, हम इस रीडिंग में देखने की कोशिश करेंगे। तो इसी के साथ गाइस, अगर आपका सन साइन, मून साइन, राइजिंग साइन प्लस आपका नॉर्थ नोड अगर तुला राशि में है, लीब्रा साइन में है, तो ये जो रीडिंग है आप लोगों के लिए है। मैं शफल कर लेती हूँ कार्ड्स को। ये है द स्टार सीड ऑरेकल डेक, बहुत ही खूबसूरत डेक। तो शफल कर लेते हैं तुला राशि के लोगों के लिए, लीब्रा साइन। थैंक यू सो मच। टू मोर टाइम्स, वन मोर टाइम, शून्य। थैंक यू स्टार ब्रदर्स। इंटरेस्टिंग गाइस, यही कार्ड मेरे ख्याल से, आई एम नॉट श्योर, लेकिन मुझे लग रहा है ये किसी कैंसर की रीडिंग में या फिर टॉरस की रीडिंग में, आई एम नॉट श्योर, लेकिन किसी और की रीडिंग में भी ये कार्ड निकला है। ये है स्टार ब्रदर्स, प्रोटेक्शन का कार्ड है ये। हॉरस एनर्जी, प्रोटेक्शन, लॉयल्टी, सेफ्टी, ट्रस्ट, वो जो अच्छी चीज़ें हैं किसी भी रिलेशनशिप में, किसी भी रिश्ते में, वो जो अच्छी चीज़ें होती हैं ना, कि विश्वास, रिस्पेक्ट देनी, प्यार देना, इक्वली, इक्वल गिव एंड टेक जो होता है, ये उसकी ओर इशारा करता है। प्रोटेक्शन की ओर भी इशारा करता है कि आप ये जो शख्स है, ये जो ध्यान लगाकर बैठा हुआ है, ये जो बाज की एनर्जी है, ये उसको प्रोटेक्ट कर रही है। तो आप में से कुछ लोगों का जो स्पिरिट एनिमल हो सकता है वो बाज हो सकता है, ईगल हो सकती है वो आपका स्पिरिट एनिमल, और वो आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। दूर से भी अगर कोई चीज़ आपको बुरी नज़र आप पर कोई डालने की कोशिश कर रहा करेगा ना, तो उसको भी ये देख लेंगे। बाज की निगाह बहुत तेज़ होती है, राइट, वो दूर से देख लेता है अपने शिकार को। तो आपको इससे, इस कार्ड से मुझे ये समझ में आ रहा है कि मेरे जो लीब्रा साइन के लोग हैं, आप प्रोटेक्टेड हैं। अगर रिलेशनशिप में भी कोई आपको दगा देने की या धोखा देने की कोशिश करेगा ना, आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा, उस शख्स का खुद का ही नुकसान होगा, आप प्रोटेक्टेड हैं। तो इससे जो लॉयल्टी, सेफ्टी और ट्रस्ट, ये जो तीन पिलर्स होते हैं, किसी भी रिलेशनशिप की बुनियाद होती है, चाहे वो लव रिलेशनशिप हो, चाहे वो करियर में हो, बिजनेस पार्टनरशिप हो, तो ये तीन पिलर्स जो है वो उसकी बुनियाद होती है एक हेल्दी रिलेशनशिप की। और ये कार्ड जो है मुझे इस चीज़ की ओर भी इशारा कर रहा है कि अभी तक अगर आप एक ही जैसे रिलेशनशिप में रहे हैं, एक ही जैसा रेपिटेटिव पैटर्न रहा है आपके पार्टनर्स का, एक्सक्यूज़ मी, अगर आप एक ही जैसे रेपिटेटिव पैटर्न्स वाले रिलेशनशिप में रहे हैं, तो ये कार्ड आपसे ये गाइडेंस देने की आपको कोशिश कर रहा है कि अभी आपको जो तीन चीज़ें देखनी है किसी भी रिलेशनशिप में रहने के लिए, वो सिर्फ ये हैं, लॉयल्टी, सेफ्टी, ट्रस्ट। अगर ये तीन चीज़ें आपको आपके रिलेशनशिप में नहीं मिल रही हैं, तो ये संकेत है ये कार्ड कि ये जो रिलेशनशिप है, वो चाहे उसका स्वरूप कोई भी हो, लव हो, करियर हो, बिजनेस पार्टनरशिप हो, कुछ भी हो, वो रिलेशनशिप आपके लिए सही नहीं है। अगर उसमें ये तीन चीज़ें, लॉयल्टी, सेफ्टी, ट्रस्ट, ये तीन चीज़ें अगर उसमें नहीं हैं, तो आप अपने आप से पूछिए कि जिसके साथ भी आपका रिलेशनशिप है, जिनके बारे में भी आप सोच रहे हैं, अगेन आई एम सॉरी गाइस, मेरे गले में थोड़ी सी खराश है, जिसके बारे में भी आप सोच रहे हैं, जब मैं लव रिलेशनशिप के शब्द यूज़ करूँ, तो आपके माइंड में किसका चेहरा आता है, उस शख्स के बारे में सोच कर देखिए कि क्या ये जो शख्स है, ये आपको ये तीन पिलर्स जो हैं, लॉयल्टी, सेफ्टी, ट्रस्ट, क्या है इस रिश्ते में मौजूद। अगर नहीं है, तो ये कार्ड कह रहा है इट्स टाइम टू लीव दिस रिलेशनशिप, ये जो समय है, ये समय आ गया है इस रिलेशनशिप से आगे बढ़ने का। ये जो शख्स है, क्योंकि इसकी, इसको शांति तभी मिलेगी, ये टाइम पास के रिलेशनशिप के लिए नहीं इधर उधर भटक रहा, ये शख्स को लॉयल्टी चाहिए, ईमानदारी चाहिए, सुरक्षा चाहिए, सेफ्टी चाहिए, ट्रस्ट। ट्रस्ट क्या है? सच जो है, एक दूसरे पर विश्वास अगर आप कर सकें, अगर आप दोनों में एक ऐसे पैटर्न्स हैं कि हाँ, आप दोनों एक दूसरे के ऊपर शक करते हैं, आप उनका फ़ोन चेक करेंगे बार बार और आप, वो आपका करेंगे, एक दूसरे के सोशल मीडिया के ऊपर ध्यान लगा कर रखना, ये थोड़ी सी सेवन ऑफ सोल्स वाली एनर्जी है यहाँ पर। आपकी जो, आपका जो असली स्वरूप है वो है हाई प्रीस्टेस का, ये हाई प्रीस्टेस की एनर्जी है, लेकिन आप जा कहाँ रहे हैं सेवन ऑफ सोल्स वाली एनर्जी में। ये भी हो सकता है कि आप में से बहुत सारे लोग थर्ड पार्टी सिचुएशन की जो टैरो रीडिंग्स है ना, ऐसी टॉक्सिक टैरो रीडिंग्स है, आप में से बहुत सारे लोग शायद देखते हैं, उसकी वजह से भी ना आपकी जो एनर्जी है वो करप्टेड मुझे नज़र आ रही है, आपका जो ऑरा है ना वो मुझे गलत नज़र आ रहा है।
ये है कि आपकी जो आपका जो सबकॉन्शियस है वो आपसे कह रहा है कि इट्स टाइम कि आप इस नेगेटिविटी से दूर रहकर अपने रिलेशनशिप्स का जो चयन है वो अच्छे से करें। आप देखें कि इन जो रिश्ते हैं आपके, जितने भी रिश्ते हैं अवेलेबल आपकी लाइफ में, उनका इवैल्यूएशन करें और देखें कि इनमें से किन रिश्तों में सच्चाई है, किन रिश्तों में नाटक हो रहा है, लोग फेक कर रहे हैं चीज़ों को, जो आपको आपके मुंह पर कुछ और है, आपके पीठ के पीछे कुछ और है। अब ये टाइम आ गया है कि आप इन चीजों से आगे बढ़ें, परे निकलें, क्योंकि यहाँ पर ये जो शख्स है ना, ये देखिए इस कार्ड में, आई एम सॉरी, ये जो कार्ड इसमें देखिए जो शख्स है, ये इसने एक तो वाइट कपड़े पहने हुए हैं, पवित्रता की निशानी है, सच्चाई की निशानी है, कोमलता की निशानी है, सफ़ेद रंग राइट, शुद्धता की निशानी है। तो इसने सफ़ेद रंग कपड़े पहने हुए और ये ध्यान लगा रहा है ये शख्स राइट। तो इससे यही है कि जो आपका लाइफ पर्पस है ना, जो भी आपका उद्देश्य है जिसकी वजह से आपने इनकार्नेट हुआ है, वो बड़ा है और उसके साथ कनेक्ट होने के लिए आपका जो फिजिकल 3D रियलिटी है उसमें उसका ऑरा अच्छा होना चाहिए। अगर आपकी 3D रियलिटी में तांडव मचा हुआ हो तो आपको आपके माइंड को पीस कहाँ से मिलेगा, आप मुझे बताइए, तांडव में पीस कहाँ, शांति कहाँ मिल सकती है। ये जो बास है ये सिर्फ आपसे ये संकेत दे रहे हैं कि आप सुरक्षित हैं, लेकिन हर नया हफ्ता, हर नया दिन, हर नया महीना, हर नया साल आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी लेकर आता है वो टॉक्सिक पैटर्न से बाहर निकलने की। एक 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 एक, एक ना कहते हैं मोमेंट ही काफ़ी होता है, एक पल ही काफ़ी होता है खुद की ज़िंदगी को बदलने के लिए। मैं ये नहीं कह रही कि एक हफ्ते के अंदर ये सब कुछ हो जाएगा, लेकिन पहला कदम जो है उसके लिए एक हफ्ता काफ़ी है। आप अपने आप के जो रिलेशनशिप्स हैं उनको इवैल्यूएट कीजिए और देखिए कि ये तीन पिलर्स मौजूद हैं उनमें, अगर नहीं है तो आपको पता है कि आपको क्या करना है। ठीक है, आपका नेक्स्ट कार्ड देख लेते हैं। यह है मोनोलॉजी ऑरेकल डेक, बहुत ही खूबसूरत डेक, शफल कर लेते हैं। लीब्रा तुला राशि, थैंक यू, टू मोर टाइम्स, वन मोर टाइम, शून्य, थैंक यू सो मच। एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड, देख लीजिए, आप ही देख लीजिए, अभी जो भी आपकी रणनीति है, जिस तरीके से भी आपका व्यवहार है, जो आप दूसरों के साथ करते हैं और दूसरे आपके साथ करते हैं, एडजस्टमेंट्स की ज़रूरत है, उसमें बदलाव की ज़रूरत है। किसी जंग की तैयारी में है अगर, तो अपनी रणनीति में चेंज की ज़रूरत है, ये कार्ड उसकी तरफ इशारा कर रहा है। आपको खुद को पता है कि आपको क्या चाहिए, फिर आप उसके जो आपको चाहिए उसके लिए आपको थोड़ा सा हो सकता है इंतज़ार करना पड़े, लेकिन क्योंकि हड़बड़ाहट में, जल्दबाजी में, क्योंकि आप में अंदर डेस्पिरेशन हो सकती है, उसकी वजह से शायद आप एक ऐसी चीज़ को चुने जो कि आपके काबिल है ही नहीं। मैं एक और चीज़ बताना चाहूँगी यहाँ पर, ये छठी बार है, सिक्स्थ टाइम मैं लीब्रा की रीडिंग को रिकॉर्ड कर रही हूँ। पिछले 5 अटेम्प्ट जो मेरे रहे हैं ना लीब्रा की राशि लीब्रा की रिकॉर्डिंग के लिए, वो अनसक्सेसफुल रहे हैं। कभी कुछ हो रहा था, कभी कुछ हो रहा था, कभी कैंडल्स बुझ रही थी, कभी कार्ड जो थे वो एकदम से इतने बिखर गए। और इस बार जब मैंने ये शुरू करने वाली थी ये रीडिंग, तो मुझे खास प्रे करनी पड़ी है कि प्लीज़ सक्सेसफुली ये जो रीडिंग है वो मैं रिकॉर्ड कर पाऊँ, ताकि मैं इसे आज अपलोड कर पाऊँ। 6 टाइम मैं इसको रिकॉर्ड कर रही हूँ। जैसे एडजस्टमेंट्स, बार बार कुछ, जैसे कार्ड्स जो थे, जो पहले कार्ड निकल रहे थे वो निकल तो रहे थे लेकिन वो मैसेजेस आपके लिए नहीं थे, इसीलिए वो पूरी नहीं हो पाई वीडियो। तो अगेन एडजस्टमेंट्स गाइज, आपकी लाइफ में एडजस्टमेंट्स की बहुत ज़रूरत है। ये खुद को सवाल करने के बारे में भी ये बात करता है कि खुद से प्रश्न करना कि मुझे चाहिए क्या, और फिर उसके साथ खड़े रहना, अपनी उस चॉइस के साथ खड़े रहना, फिर चाहे उस चॉइस को मैनिफेस्ट होने में कितना भी टाइम लगे, लेकिन उससे कम जो है वो स्वीकार नहीं करना। अगर आपको सोने का सिक्का चाहिए तो फिर मुझे सोने का सिक्का ही चाहिए, मुझे चांदी के सिक्का अगर मुझे 5 भी दे दोगे मुझे उससे भी संतुष्टि नहीं मिलेगी। समझ रहे हैं आप, मैं एक एग्जाम्पल के तौर पर बता रही हूँ। अपनी चॉइस बनाना और फिर उस चॉइस के साथ खड़े रहना, अपनी रणनीति में एडजस्टमेंट्स करना बेहतरी के लिए, बेहतर रिजल्ट्स के लिए। ठीक है, अब आपका जो है टैरो कार्ड वो देख लेते हैं। लीब्रा, लीब्रा, थैंक यू सो मच, थैंक यू, एम आई रेडी, नो, ओके, टू मोर टाइम्स, वन मोर टाइम,
शून्य. थैंक यू सो मच, थैंक यू. ओ माय गॉड द फूल, ओ माय गुडनेस. आपको पता है मेरा सन साइन क्या है? तुला राशि. आप ही की तरह मैं भी लीब्रा साइन हूं. द फूल गाइज, न्यू बिगिनिंग. और मैंने एक रीडिंग में ये बात बोली थी कि अक्सर जब आप ये शब्द सुनते हैं टैरो रीडिंग में, जब टैरो रीडर कहता है कि न्यू बिगनिंग, न्यू बिगनिंग का मतलब क्या है? न्यू बिगनिंग का मतलब है अभी तक जो आपका रूटीन चला आ रहा है, आपकी लाइफ के जो पैटर्न हैं उनमें तब्दीली आना. फॉर एग्जाम्पल, मैं ज़्यादा बड़ा एग्जाम्पल नहीं दूंगी. फॉर एग्जाम्पल, पिछले काफ़ी समय से आपको रात को देर से सोने की आदत है, क्योंकि आप लव रिलेशनशिप में हैं तो अपने बाबू सोना से आपको बात करनी है, आपको मूवीज़ देखनी है, आपको फालतू की जो वीडियोस हैं यूट्यूब पर टॉक्सिक चीज़ें वो देखनी है, फालतू की चीज़ों पर समय स्पेंड करना है. फॉर एग्जांपल, राइट, ये कार्ड कहता है कि अब बस वो बहुत हो गया, अब रात को टाइम पर सोना है, क्योंकि सुबह टाइम पर जागना है. टाइम पर क्यों जागना है? क्योंकि मुझे उद्देश्य मिल गया है जो मुझे दिन भर में करना है, और उस उद्देश्य के लिए मुझे रात को अच्छी नींद चाहिए ताकि मैं सुबह जल्दी उठ सकूं और उस 8 घंटे के सफर में मैं अपने काम को, अपने उद्देश्य को अच्छे से कर सकूं. उसे कहते हैं न्यू बिगनिंग. न्यू बिगनिंग ये नहीं है कि हाय पता नहीं कौन सा इंद्रधनुष निकलेगा और मेरी पूरी जिंदगी ही संवर जाएगी, ऐसा नहीं है. टैरो रीडिंग्स में मैंने जब अपनी शुरुआत की थी, जब सीखना शुरू किया था, मुझे बहुत फ्रस्ट्रेशन होती थी जब टैरो रीडर्स कहते थे ओ माय गॉड न्यू बिगनिंग आने वाली है, और वो क्लियर नहीं करते थे उस चीज़ को. मुझे इनकम्प्लीट सेंटेंस लगता था हमेशा ये कि न्यू बिगनिंग आने वाली तो है, तो क्या वो तो बताओ न्यू बिगनिंग का असली. फिर जब मैंने सीखना शुरू किया, जब मैंने टैरो को अपने इंट्यूशन से मैंने पूछने की कोशिश की कि इसका मतलब क्या है, तो उसका अर्थ यही है कि आपका जो रूटीन है, आपका जो डेली लाइफ का रूटीन है, आपकी जो लाइफ का पैटर्न है, उसको बदलना, उसको एक नया स्वरूप देना, उसको उसमें एक नया रंग भरना. अगर पहले काला रंग था तो अब सफ़ेद रंग भरना, और ये खुद करना है, किसी और ने नहीं आके करना. फूल जो है ये एक्शन टेकिंग का कार्ड है, ये आपके बिहाफ पर आपको खुद एक्शन लेने पड़ेंगे. आपकी आप यहाँ पर भी देखिए, डॉग है. डॉग क्या है? लॉयल्टी की निशानी. इस शख्स का जो भी पार्टनर था वो दगाबाज था, इसने इसलिए इसको छोड़ दिया. ये अपने आप एकांत में एक सफर पर निकला हुआ, और ये डॉग, ये लॉयल्टी उसके साथ है, क्योंकि इसे पता है कि ये लॉयल रिलेशनशिप ही डिजर्व करता है, इसीलिए इसने इस डॉग को चुना, इस ह्यूमन को नहीं, इस नई जर्नी के लिए. आप समझ रहे हैं मेरी बात को? तो आपके लिए एक न्यू बिगनिंग है, पॉसिबिलिटी है. मैं इसीलिए कहती हूँ कि एनर्जीज जो आपके इर्द गिर्द रहेंगी, हम वो इस रीडिंग में देखने की कोशिश करेंगे. मैं हर रीडिंग की शुरुआत में ये बात कहती हूँ, क्योंकि टैरो रीडिंग प्रेडिक्शन नहीं है, ये गाइडेंस है. मैं चीख चीख कर ये बात अक्सर कहती हूँ लोगों को, ये प्रेडिक्शन नहीं है, ये गाइडेंस है. अब ये आपके ऊपर है इस गाइडेंस को फॉलो करना है कि नहीं. यकीनन कुछ चीज़ें डेस्टिन्ड होती हैं, मैं इस चीज़ से मैं मना नहीं करूँगी. कुछ चीज़ें डेस्टिन्ड होती हैं, लेकिन फ्री विल भी कोई चीज़ है यार. हमारी फ्री विल पे ना हम पहाड़ भी अगर तोड़ना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, अगर करना चाहें तो. ये हमारे ऊपर है कि हमें कौन से स्टेप्स लेने हैं. तो ये जो हफ्ता है मेरे तुला राशि के लोगों के लिए थोड़ा सा डिसीजन मेकिंग के बारे में भी संकेत देता है कि आपको चयन करना है, आपको ये निश्चय करना है कि आपको कौन सी चीज़ें चाहिए आपकी लाइफ में, और फिर उन्हीं चीज़ों के साथ आगे बढ़ना. जो चीज़ें नहीं चाहिए उनको पीछे छोड़ देना, ये वो चीज़ है. ये द फूल, ये न्यू बिगनिंग उसकी ओर इशारा करती है. आपका जो ये है मेरे पास कुकून टू बटरफ्लाई डेक, इसको भी शफल कर लेते हैं. ये आपकी गाइडेंस होगी इस हफ्ते के लिए. तो तुला राशि, थैंक यू सो मच. और पिछली बार जब मैं ये शफल कर रही थी ये कार्ड्स ना, यकीन मानिए ये पूरा डेक ऐसे बिखर गया था पूरा, और ये जो कैंडल थी वो बुझ गई थी, और मेरे अंदर इतनी शंका पैदा हो रही थी इस चीज़ को लेकर, इतनी घबराहट पैदा हो रही थी. मैं बार बार रिकॉर्ड कर रही थी, बार बार वीडियो को बंद हो रही थी, कभी कैमरा बंद हो रहा था. तो मुझे था कि कुछ ना कुछ तो है ये बड़ा जो इस हफ्ते में ना लिब्रा राशि के लोगों के लिए आ रहा है. तो शफल कर लेते हैं एक दो और बार. वन मोर टाइम, थैंक यू. शून्य, थैंक यू सो मच.
वाओ, आई एम स्मार्ट, प्रैक्टिस डेली टर्न हॉबी इनटू प्रोफेशन. तो आप में से कुछ लोगों के लिए जो गाइडेंस है, एक वो ये है कि आपकी जो हॉबी है ना, जो भी आपका पैशन है, जिस चीज़ में भी आपको खुशी मिलती है, उसको आप अपने प्रोफेशन में चेंज कर सकते हो. एक पॉसिबिलिटी है आपके लिए. ये जो 9 to 5 जॉब है कुछ लोगों के लिए, ये इसके लिए आप बने नहीं हो. 9 to 5 जो जॉब है ना, कि किसी के अंडर काम करना, वो उसके लिए आप बने नहीं हो. ये यहाँ पर भी मुझे महसूस हो गया था, ये पर्पस, लाइफ पर्पस बड़ा है. तो अगर आप 9 to 5 जॉब से परेशान हैं, आप उसका उसमें आपका मन नहीं लगता, तो आपके लिए जो गाइडेंस है वो ये है कि जो भी आपका पैशन है, बचपन में जो जिस चीज़ से आपको खुशी मिलती थी, उस चीज़ को निखार कर, उस चीज़ को संवार कर, थोड़े से और एफर्ट्स डालकर आप उसको अपने प्रोफेशन में तब्दील कर सकते हो. आपके लिए वो गाइडेंस है. और उसके लिए अभी से, इस हफ्ते की शुरुआत से, प्रैक्टिस डेली, तो आपको उसकी प्रैक्टिस करनी है डेली. स्मार्ट, आई एम स्मार्ट. स्मार्ट होने की निशानी क्या है? आपके जो चयन है, रिश्तों का चयन, वो समझदारी से करेंगे. आप जिस फ्रीक्वेंसी पर हैं, वैसे ही फ्रीक्वेंसी के लोगों को आप पसंद करेंगे. उनके साथ आपका तालमेल होगा, उनके साथ आपकी मित्रता होगी. ऐसे लोग जो कि बुरे हैं, आप उनके उनकी तरफ देखेंगे भी नहीं. ऐसी मूवीज़ जो जिसमें कि कोई अच्छा उद्देश्य नहीं बताया जाता, कुछ अच्छा सिखाया नहीं जाता, आप ऐसी मूवीज़ नहीं देखेंगे. कोई ऐसा संगीत नहीं सुनेंगे जिससे कि आपके अंदर विकार पैदा हो, आपके अंदर दर्द और बढ़े. जिसके साथ आपके अंदर इंस्पिरेशन बढ़े, जिसके साथ आपको इनकरेजमेंट मिले, ऐसी चीज़ें देखिए, ऐसी चीज़ें सुनिए, ऐसे लोगों के साथ बैठिए, अच्छी किताबें पढ़िए. कितने बड़े महापुरुष हुए हैं भारत की धरती में, उनके बारे में जानिए, उनकी उनसे नसीहत लीजिए. स्वामी विवेकानंद जी मुझे एकदम से नज़र आए. तो आप में से कुछ लोगों के लिए ये गाइडेंस है कि आप उनकी गाइडेंस को भी फॉलो करेंगे तो आप अपने जीवन में जो है तब्दीली ला सकते हैं. ठीक है, बहुत अच्छी एनर्जी है, बहुत बड़ी एनर्जी है, यूटिलाइज करना आपके ऊपर है. देख लीजिए अभी आप. ठीक है, मुझे पता है कि मुझे क्या गाइडेंस मिली है इससे. मैं तो अप्लाई करूंगी इसे, बाकी का आप देख लीजिए. ठीक है, तो इसी के साथ मैं ये रीडिंग खत्म करती हूँ. मैं बहुत जल्द मिलूंगी आपको आपकी नेक्स्ट रीडिंग में. तब तक के लिए गाइज, बाय बाय.